भारत में कई सारे ऐसे मामले हुए हैं जहां पुनर्जन्म की बात की गई है। इसमें से दो प्रसिद्ध मामले शांति देवी और दूसरा तोरण सिंह का है। लेकिन आज जिस सच्चाई की हम बात करने वाले हैं वह है डोरोथी ईडी, जिसके बारे में लगभग हर देश के न्यूज चैनल्स ने बात की। साल था 1979। न्यूयॉर्क आर्टिकल में एक खबर छपती है जो कि एक रिबॉर्न इजिप्शियन गर्ल के बारे में थी। मैं खुद पुनर्जन्म में यकीन नहीं रखता हूँ, क्योंकि ज्यादा स्टोरीज जो सोशल मीडिया पर सुनी है उन सभी का 100% फैक्ट्स कभी एनालिसिस ही नहीं होता है। लेकिन डोरोथी, जिसको ओम सेटी के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में नेशनली और इंटरनेशनली काफी सारी न्यूज ग्लोबली पब्लिश हुई और हर कोई इनकी सच्चाई जानने में इंटरेस्टेड था। और कई सालों तक डॉक्टर्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स ने ये प्रूफ करने की कोशिश की वो झूठ बोल रही हैं या उसे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हालांकि तमाम कोशिशों के बाद भी वो इसे गलत साबित नहीं कर पाए। चलिए बात करते हैं डोरोथी ईडी की पूरी कहानी के बारे में। डोरोथी को पहली बार पुनर्जन्म अनुभव हुआ जब वो अचानक से अपने ही घर में ये बोलना शुरू कर देती कि वो ये उसका घर नहीं है, वो कहीं और की रहने वाली है। और वो अपने असली घर को डिस्क्राइब करते हुए बोलती थी कि वहां बड़ी बिल्डिंग्स हैं, गार्डन है। और बाद में धीरे धीरे पता लगता है कि जिस जगह की वो बात कर रही है वो इजिप्ट में है। और बाद में डोरोथी एंशंट आर्कियोलॉजिकल डिग्स में कई सारी फाइंडिंग्स में भी मदद करती है, और ये सब वो अपनी पुरानी जिंदगी की मेमोरी से कर पाती है। मुझे पता है आपको ये सब थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन वीडियो के अंत तक आप भी इसकी रिबॉर्न कहानी से कन्विंस हो जाएंगे। डोरोथी का जन्म लंदन में एक मिडिल क्लास परिवार में साल 1904 में हुआ था, और अब तक सब कुछ सही था। जब वो 3 साल की थी तो वो अपने ही घर में सीढ़ियों से गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उसके पेरेंट्स डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर डोरोथी को चेक करने के बाद बोलता है कि वो अब मर चुकी है। जब पेरेंट्स डॉक्टर से बात कर ही रहे थे कि लगभग 1 घंटे बाद डोरोथी उठती है और उठकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने खिलौने से खेलने लगती है। और ये सब देखकर डॉक्टर शॉक्ड हो जाता है। साथ ही डोरोथी के पेरेंट्स खुद डॉक्टर को शॉकिंग निगाहों से देखने लगते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने उनकी बेटी को मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन तब भी डॉक्टर यही क्लेम कर रहा था कि जब उसने डोरोथी को चेक किया वो मर चुकी थी। और इस एक्सीडेंट के कुछ दिनों बाद डोरोथी कुछ अजीब से व्यवहार करने लगती है। और जब डोरोथी को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि डोरोथी का जो एक्सीडेंट हुआ है उस वजह से उसके अंदर ये बदलाव आया है, और ये सब कुछ कॉमन है जब किसी के सिर में एक्सीडेंट से ज्यादा चोट लगी हो। लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद डोरोथी अपने पेरेंट्स को काफी अजीबोगरीब चीजें बताने लगती हैं। वो कहती है कि जहां मेरा घर है वहां बड़ी बिल्डिंग्स, सुंदर घर और एक गार्डन जिसको वो बहुत पसंद करती है, और वहां अपने दोस्तों के साथ खेलती थी। लेकिन उसको उस जगह का नाम नहीं पता था, और अभी भी उसकी उम्र सिर्फ 3 साल थी, और ज्यादातर टाइम वो सिर्फ रोती रहती थी इन सब के बारे में बात करके। उसके पेरेंट्स ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वो यही रहती थी और यही उसका घर है, लेकिन वो फिर भी यही दावा करती रहती है कि ये उसका घर नहीं है। एक बार जब उसके पेरेंट्स उसे एक ब्रिटिश म्यूजियम लेकर गए, वहां उस म्यूजियम में इजिप्शियन आर्कियोलॉजिकल चीजें जैसे कि ममीज, स्टेच्यूज, पेंटिंग ऑफ पिरामिड्स रखी होती हैं। डोरोथी ने अपने पेरेंट्स का हाथ छोड़कर उन सभी चीजों को बहुत ध्यान से देखना शुरू कर दिया। वो वहां रखी इजिप्शियन की पेंटिंग्स को हाथों से छूने की कोशिश करने लगती है और कुछ स्टेच्यूज को चूमना शुरू कर देती है। और ये सब करते हुए वह चिल्लाने लगी, यही मेरा असली घर है, मैं अपने लोगों के साथ घर में हूं। इसी बीच उसके पेरेंट्स उसे म्यूजियम से बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, मगर वह मना करने लगती है। इससे म्यूजियम में काफी हलचल मच जाती है और लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। जैसे तैसे उसके पेरेंट्स उसे वहां से घर ले जाते हैं। और इस म्यूजियम विजिट के बाद अब डोरोथी को पता चल गया था कि वह जिस जगह की बात कर रही थी वह कहीं ना कहीं इजिप्ट में है। जब डोरोथी स्कूल या कैथोलिक चर्च में जाती तो वह हर चीज को एंशियंट इजिप्ट से तुलना करने लगती है। उसके इन सभी व्यवहारों की वजह से उसे स्कूल और कैथोलिक चर्च से निकाल दिया जाता है। और जब डोरोथी 6 साल की होती है तो वह हायरोग्लिफ्स लैंग्वेज में इंटरेस्ट लेने लगती है। हायरोग्लिफ्स एक पुराने जमाने की इजिप्शियन भाषा है जो सिंबल्स नुमा लिखी जाती थी। यहां तक कि हायरोग्लिफ्स के बारे में डोरोथी बोलती थी कि वो इन सभी सिंबल्स से परिचित हैं, लेकिन वह इन्हें पढ़ना भूल गई है। जब डोरोथी एक बार एक बुक में टेम्पल ऑफ सेती द फर्स्ट का फोटो देखती है तो फोटो को देखकर वह एक चौंकाने वाला सच बोलती है। डोरोथी कहती है, यही मेरा वह घर है जिसके बारे में हमेशा बात करती हूं। और जब वह ये फोटो देखती है तो कहती है, यहां एक गार्डन भी है मगर पता नहीं क्यों इस फोटो में नहीं दिख रहा है। वो काफी परेशान होकर बोलती है, पता नहीं ये फोटो ऐसा टूटा फूटा क्यों दिख रहा है। हालांकि जिस गार्डन की वह बात कर रही थी वह 1000 साल से भी पहले वहां था। जब डोरोथी सेती मम्मी का फोटो देखती है तो दावा करती है कि वह इसे पर्सनली जानती है। जब डोरोथी बड़ी हुई
14 साल की उम्र में उसे नाइटमेयर आने लगे, जहां डोरोथी से प्रीस्ट के द्वारा कुछ सवाल पूछे जाते हैं और जब वह जवाब नहीं दे पाती तो उसे पीटा जाता है। जब डोरोथी 27 साल की हुई तो डोरोथी को एक इजिप्शियन लड़के से प्यार हो जाता है और वह उससे शादी कर लेती है और वह इजिप्ट में अपने पति के साथ रहने लगती है। डोरोथी को शादी के बाद एक बेटा हुआ और उसका नाम उन्होंने सेती रखा। जब वह इजिप्ट में थी तो कई बार अचानक रात को उठ जाती और हायरोग्लिफिक्स लिखने लगती थी और वह ये दावा करती थी कि होरा, जो कि इजिप्शियन में एक देवता माना जाता है, उसे ये सब डिक्टेट कर लिखने के लिए कह रहा है। इस तरह उसने लगभग 70 पेज की ट्रांसक्रिप्ट्स लिख डाली। होरा के अनुसार वह बेंट्रेशिट थी, जो सेती द फर्स्ट के समय 3000 साल पहले प्याडोस इजिप्ट में पैदा हुई थी। डोरोथी के रूप में जन्म लेने से पहले वह एक इजिप्शियन लेडी थी, बेंट्रेशिट, जिसके पिता एक सोल्जर थे और माँ एक वेजिटेबल सेलर। और बेंट्रेशिट की माँ मर जाती है जब वह सिर्फ 3 साल की थी और उसके पिता अकेले उसे पाल नहीं सकते थे, तो उसने उसे टेम्पल ऑफ कोम एल सुल्तान में डाल देते हैं और बाद में इसी टेम्पल में वह बड़ी होकर एक प्रिस्ट बन जाती है। जब वह 12 साल की थी, टेम्पल में उसे 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो बेंट्रेशिट टेम्पल में वर्जिन यानी कुवारी रहकर प्रिस्ट का काम करे या फिर वह वर्ल्ड वेंचर करे। बेंट्रेशिट ने फैसला किया कि पहले विकल्प को चुने और टेम्पल में ही रहे। लेकिन कुछ साल बाद वह फिरौन सेती द फर्स्ट से मिलती है और वे एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। उनके बीच शारीरिक संबंध की वजह से वह सिर्फ 14 साल में ही प्रेग्नेंट हो जाती है, जबकि प्रिस्ट होने की पहली कंडीशन थी हमेशा कुवारी रहना। और प्रिस्ट की नजरों में बेंट्रेशिट ने जो किया वो एक पाप था। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो प्रिस्ट अथॉरिटीज ने कई बार बेंट्रेशिट से सच जानने की कोशिश की और जब वो जवाब देने से मना कर देती तो उसे टॉर्चर भी किया जाता। बेंट्रेशिट सेती से वो बहुत प्यार करती थी, वो उसको पब्लिकली एक्सपोज और बदनाम नहीं करना चाहती थी और बजाय उसका नाम बताने के वो खुद अपनी जान ले लेती है। और जब ये खबर सेती को पता चली तो वो अंदर तक हिल जाता है। और जहां बेंट्रेशिट का अंतिम संस्कार हुआ था, सेती अक्सर वहां जाकर बैठा रहता था और वहां बैठकर बेंट्रेशिट को याद करते हुए कहता था कि वह स्वर्ग में बेंट्रेशिट से शादी करेगा। डोरोथी के ये पुनर्जन्म क्लेम से परेशान होकर उसके पति ने 1936 में उसे तलाक दे दिया। डोरोथी और उसका बेटा तलाक के बाद एक दूसरे टाउन में जाकर रहने लगते हैं। डोरोथी इजिप्ट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी में अपने लिए नौकरी ढूंढ लेती है और आर्कियोलॉजी विभाग में सलीम हसन और अहमद फखरी के साथ मिलकर कई रिसर्च करती है। और 1952 में जब वह लगभग 50 साल की हो चुकी थी, फाइनली उसका ट्रांसफर आबिडोस में हो जाता है, जहां वह हमेशा से जान चाहती थी, क्योंकि ये वह जगह थी जिसको डोरोथी अपना घर मानती थी। और इसलिए आबिडोस मूव करने के लिए वह कम सैलरी पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाती है। डोरोथी आबिडोस जाने के बाद टेम्पल दी सेती दी फर्स्ट में एक अपना ऑफिस रूम सेटअप करती है। उसे अपनी पूरी जॉब में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूशन के लिए जाने जाने लगा और वो इवन एक्जैक्टली लोकेशन पॉइंट करके बता देती है कि एग्जैक्टली कहां खोदा जाए तो गार्डन की एक्सिस्टेंस का पता चलेगा। हालांकि जिस जगह को डोरोथी पॉइंट कर रही थी वहां सिर्फ देखकर बता पाना कि 5000 साल पहले गार्डन रहा होगा किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन था। इवन वो यह तक बता देती है कि उस गार्डन में कौन कौन से पेड़ लगे थे और जब उस जगह को खोदा गया तो सच में वहां एक गार्डन होने का सबूत मिला। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने उन पेड़ों के होने की भी पुष्टि की जिसका जिक्र डोरोथी ने किया था। इसके अलावा वह टेम्पल में एक सीक्रेट टनल की एग्जैक्ट लोकेशन भी बताती है, जिन्हें खोदने के बाद वही एग्जैक्ट लोकेशन पर पाया गया। और ये सभी के लिए काफी सरप्राइजिंग थे, क्योंकि कोई इतना एग्जैक्टली विदाउट प्रायर नॉलेज कैसे बता सकता था। और इसके अलावा डोरोथी वैली ऑन फॉर द किंग एरिया, जिसको बारे में माना जाता था कि वहां कोई भी कब्र नहीं है, वहां तूतनखामेन की कब्र होने का दावा करती है। और 1976 में खोजने पर जाने पर एग्जैक्टली वह टॉम्ब वहां मिलता है। और अब तक जो आर्कियोलॉजिस्ट डोरोथी के पुनर्जन्म की बातें सिर्फ एक कहानी मान रहे थे, उनको डोरोथी की बातों पर यकीन करना ही पड़ता है। 21 अप्रैल 1981 में जब डोरोथी 81 साल की थी, मरने से पहले एक और बड़ा क्लेम करती है कि सीक्रेट अंडरनीथ टेम्पल ऑफ सेती के बारे में। और मरने से पहले उनका किया हुआ यह क्लेम भी सच साबित हुआ। आखिरी सांस तक डोरोथी उसी टेम्पल के ऑफिस में रहती थी। अक्सर इंसान मरते वक्त दुखी होता है कि वो ये दुनिया छोड़कर जा रहा है, मगर डोरोथी खुश थी क्योंकि अब उसे पता था कि सेती मरने के बाद उसे स्वर्ग मिलेगा और वो दोनों साथ रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका ये प्यार मुझे इस तरह के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेटेड करता रहे और मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचे।